और खरपतवार भी काफ़ी है। इस तरीके से छिड़काव चालू हो गया है। भाइयों अभी हमने देख सकते हैं 50 ml दवा ले रहे हैं प्रति पंप के हिसाब से, क्योंकि ये लगभग 2 एकड़ के आसपास का खेत है। आपका स्वागत है इंपीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। आज आप देख सकते हैं धान की फसल लगी हुई है और लगभग 50 दिन की फसल हो गई है अभी देख सकते हैं। लेकिन इसमें खरपतवार है तो कितनी ज़्यादा अधिक हो गई थी। हमने इसमें एक बार खरपतवार नाशक का उपयोग कर लिया था, वो सांसरी पत्ती का था, चौड़ी पत्ती का था, और हमने अभी सांसरी पत्ती की खरपतवार का उपयोग किया है। अभी एक हफ्ते पहले हमने इसमें बिग सुपर का उपयोग किया है और आज हम इसका रिजल्ट दिखाएंगे आपको कि कितना रिजल्ट मिला है। अभी ये देख सकते हैं ये पत्तियाँ वगैरह, देखिए जैसे समाई घास बोलते हैं सब जगह होता है, ये धान की फसल हो या मक्की की फसल हो कोई भी फसल हो, ये काफ़ी देखिए फूल अवस्था में आ चुका था। उपयोग किया है और यूरिया का उपयोग किया था इसमें खाद के तौर पर, लेकिन ये खरपतवार ज़्यादा हो गई है तो हमने इसमें उपयोग किया है बिग सुपर का। अब कितने ml किया है इसके बारे में जानकारी देते हैं। हमने इसमें 50 ml बिग सुपर का उपयोग किया है। देखिए पूरी खरपतवार पूरी तरीके से सूख चुकी है। 50 ml बिग सुपर का उपयोग किया है और 10 ml हमने इसमें चिपको डाला था, पर बारिश नहीं हुई थी, लगभग उस दिन से बारिश नहीं हुई है तो काफ़ी अच्छा असर देखने को मिल रहा है, नहीं तो ये धान की फसल को पूरी ख़राब हो जाती जिस तरह हमने अभी खरपतवार को दिखाया है। ये देख सकते हैं, हम और दिखाते हैं आपको घूमकर भी खेत में। ये देखिए हमने इसमें सीडल विधि से बोनी की थी और ये देख सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी, लेकिन खरपतवार मरी नहीं थी। जो चौड़ी पत्ती की खरपतवार थी वो ख़त्म हो गई थी और सांकरी पत्ती की ये बाद में। तो इधर दिखा के कर इस तरह की खरपतवार रहती तो हमको उत्पादन इसमें कुछ भी नहीं मिलता। ये देखिए यहाँ पर दिख ही नहीं रहे पौधे धान के, सीधे चारा ही चारा दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए साइड में पूरा खरपतवार समाप्त हो गई है। हमने अभी इसमें अच्छे से पंप से दवाई डालकर छिड़काव कर दिया है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है हमको इससे। आप भी किसान भाइयों अपने धान लगाएं तो तुरंत स्प्रे करने की व्यवस्था हो तो तुरंत स्प्रे कर देना चाहिए, नहीं तो फिर उसको 10-12 दिन के अंदर स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा थोड़ा लेट हो गया तो खरपतवार अधिक हो गई है और हमने जो खाद वगैरह का उपयोग किया है वो भी सारी ख़राब हो गई है। अब हम इसमें दोबारा से टॉनिक वगैरह का उपयोग करेंगे और यूरिया खाद का उपयोग करेंगे तब जाके फसल बनेगी, नहीं तो उत्पादन हमारा 30% निकलता, मान लो 15-20% हो जाता तो 5-6 क्विंटल ही निकलती इसमें से धान 1 एकड़ में। तो इस तरह से अभी अपने खेत में सही दवा का उपयोग करें। हमने इसमें 50 ml मिलाया था लेकिन रिकमेंडेड 40 ml ही है दवा। आप भी अपने खेत में यदि समाई वगैरह हो गए हैं, सांसरी पत्ते के चारे हो गए हैं तो आप भी इसका स्प्रे करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन एक समस्या है इसमें, ये भरू चारा बोलते हैं इसको, देख सकते हैं ये खरपतवार को निकाल कर बता रहे हैं। ये सांकरी पत्ती की खरपतवार तो है लेकिन ये मर नहीं रही है। इसमें सबसे अच्छा सुझाव है कि इसमें लगभग 10-15 दिन के अंदर ही छिड़काव हो जाए, ये 2 पत्ती में रहे ये खरपतवार तो ये बहुत अच्छे से मर जाती है। और एक और खरपतवार के बारे में बता दें जो इसमें नहीं मरती है, हमने इसमें पहले राउंड 240 मिलाया तो फिर भी देख सकते हैं ये चबड़ियाँ हैं, ये इसमें हमने दवा का स्प्रे भी किया है लेकिन ये दोनों खरपतवार नहीं मरे हैं। इसके लिए हमने 240 30 ml का छिड़काव किया था फिर भी ये नहीं मरी है। कुछ कुछ पौधे मर गए हैं, फिर नीचे से निकल जाते हैं, ये देख सकते हैं नीचे शाखा निकल रही है, और ये चारा ये भरू चारा ये तवड़ियाँ हैं, इनकी रोकथाम काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो फिर उत्पादन में काफ़ी अंतर आता है। किसान भाइयों आप भी सही समय पर दवा का छिड़काव करें जिससे आपकी फसल भी काफ़ी अच्छी रहे। बार विधि से करें या फिर मचान विधि से करें, इसी तरह की शानदार जानकारी हम एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।